नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे राहु देवता के फलित करने के तरीके के ऊपर। राहु देवता का हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने राहु को फलित करने का एक तरीका समझाया था। वो बहुत सिंपल था, मतलब उसमें मैंने राहु का जो रिजल्ट था वो बहुत ही एक सिंपल रिजल्ट लिया था। लेकिन राहु रिजल्ट जो देता है अपना वो काफी भाव का देता है, यानी कि कई तरह के भावों को मिला के रिजल्ट देता है। राहु का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड आता है। तो ये जो हमारे सामने जो जन्म कुंडली है, इस जन्म कुंडली में राहु देवता सिंह राशि में 12वें घर में विराजमान है। तो राहु देवता जो 12वें घर में विराजमान है वो किस मतलब भावों का रिजल्ट देगा। तो राहु के जो रिजल्ट निकालने का तरीका था मैंने बताया था कि वो किस राशि में होता है, किसके साथ युति करता है और उनको कौन सा ग्रह देखता है और किस नक्षत्र में होता है वो, यानी किस साइन लॉर्ड में है। तो ये सब चीजें हैं रिजल्ट निकालने के लिए। तो हमारे पास जो ये सॉफ्टवेयर है उसमें सिग्निफिकेटर्स हैं, उस सिग्निफिकेटर के थ्रू हम इनका रिजल्ट निकालेंगे। तो राहु जो है वो सूर्य की सिंह राशि में है और केतु के नक्षत्र और शनि के उप नक्षत्र में है। तो उसके लिए हमें केतु का भी रिजल्ट निकालना पड़ेगा। तो राहु और केतु का रिजल्ट सेम निकलता है, शनि का रिजल्ट जो है हम कसफल कुंडली से निकाल लेते हैं। तो हमारे पास इसमें सिग्निफिकेटर्स हैं, उनके थ्रू हम रिजल्ट निकालेंगे। तो अभी जो हमारे पास ये जो सिग्निफिकेटर है, यानी कि राहु देवता, यानी कि राहु देवता जो दे रहे हैं वो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, आठवें, नौवें, ग्यारहवें और बारहवें भाव के, यानी कि इतने भावों के रिजल्ट दे रहा है राहु। फिर केतु में स्टार लॉर्ड में जो केतु है उसका जो तीसरे, पांचवें, छठे, आठवें भाव का रिजल्ट दे रहा है और सब लॉर्ड में सेचन में तीसरे, पांचवें और छठे भाव का रिजल्ट दे रहा है। ये रिजल्ट आपको कुछ उलझा देगा, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। केतु राहु जो है वो अपने रिजल्ट बहुत सारे भावों को देते हैं, क्योंकि इनको जो निकालने का फॉर्मूला है वो बाकी ग्रहों से डिफरेंट है। तो इसीलिए ये जो भाव आ रहे हैं इन भावों की रिजल्ट देगा। इसमें अच्छे भाव भी हैं, बुरे भाव हैं, जैसे कि 6, 8, 12 भी आ रहे हैं और अच्छे भाव हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 9 है और 11 है। तो ये अच्छे भाव भी है। तो जब अच्छे भाव और बुरे भाव साथ में आए तो हम उनको रिजल्ट में भावों को काट लेते हैं, जिससे कि हमें रिजल्ट का पता चल जाता है। फिर हम इसका ये भी देखते हैं कि उसका जो नक्षत्र है, यानी कि नक्षत्र और उप नक्षत्र में अच्छे भावों को आ जाए तो कुछ फायदा हो जाता है। नक्षत्र में जैसे 6, 8 आ रहा है और उप नक्षत्र में 6 आ रहा है, तो तीनों में 6, 6 आ रहे हैं, तो 6, 8, 6, 8 काफी बार आ रहे हैं, तो थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ जा रहा है रिजल्ट। लेकिन हमें अब इसमें एक और कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं हम इसमें, कि गोचर में जा सकते हैं। गोचर के ऊपर, अगर गोचर में अगर राहु देवता है, राहु देवता पे कोई हमारे कुंडली का कारक ग्रह है उसकी अगर दृष्टि हो जाए या फिर इस पे गुरु की दृष्टि हो जाए तो हमारे रिजल्टों में कुछ सुधार हो सकता है, या फिर महादशा में अगर कोई अंतरा अच्छा आ जाए। तो मान लीजिए राहु में राहु का अंतरा, राहु जो रिजल्ट दे रहा है, मान लीजिए बुरा रिजल्ट है 6, 8, 12 का, बहुत बुरा आ रहा है ये जो रिजल्ट है, ये थोड़ा सा आपको मतलब परेशान करने वाला है, यानी एजुकेशन में आपको सप्लीमेंट्री टाइप का रिजल्ट देगा और हेल्थ वाइज भी आपकी तबीयत बिगाड़ देगा। तो अब हमें महादशा में देखना है कि महादशा जो है वो कैसी है। तो आपको ये देखना है राहु की जो महादशा है वो क्या रिजल्ट दे रही है। तो राहु की जो महादशा है, राहु के अंदर जो है वो हमें हेल्थ वाइज प्रॉब्लम आएगी। अब हमें इस कुंडली में योग कारक ग्रह देखना है। तो ये जो कुंडली बनी है ये कन्या लग्न की कुंडली बनी है, बुध देवता योग कारक ग्रह है और गुरु भी इसमें योग कारक ग्रह है, क्योंकि गुरु की जो दो राशियां है वो केंद्र में आती है, तो इसीलिए योग कारक ग्रह होने के कारण गुरु यहाँ पे अच्छे साबित होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप मंगल देवता को भी देख सकते हो, जैसे कि मंगल देवता इस कुंडली में अच्छे नहीं है। तो यानी कि हम ये देख सकते हैं कि
गुरु की दृष्टि अगर गोचर में तो ट्रांजिट में चलते हैं हम, तो ये हमारे पास दूसरा सॉफ्टवेयर है उसमें देखिए ये ट्रांजिट है। और राहु जो है अभी हमारी जो जन्म कुंडली है उसमें राहु देवता जो है वो सिंह राशि में है 12वें घर में, और राहु का जो गोचर है वो भी 12वें घर में ही चल रहा है। और राहु पे जो है मंगल की दृष्टि है साथ में, लेकिन मंगल हमारे लिए सही नहीं है यानी शुभ नहीं है, तो उस वजह से आप ये देख सकते हो कि हमारे जो भाव रिजल्ट है उसमें कमी आएगी। फिर आप एक ये भी चीज देख सकते हो, शुक्र की भी दृष्टि है, तो शुक्र देवता हमारी जो जन्म कुंडली है हमारे जैसे कि यहाँ पे आप देखिए 7-30 दूसरे घर का मालिक है और भाग्य घर का यानी 9वें घर का मालिक है, तो शुक्र देवता बहुत योग कारक ग्रह है। अब शुक्र की दृष्टि जो है वो राहु के रिजल्टों में मतलब जो बुरे रिजल्ट है उनमें कमी ला देगी और अच्छे रिजल्टों को निकालेगी, तो इसके लिए हमें शुक्र के रिजल्ट देखने चाहिए, शुक्र क्या रिजल्ट देता है। तो हमें ये देखिए यहाँ पे वीनस वीनस दे रहा है दूसरा 5वां 9वां, पहला चौथा 7वां और पहला चौथा 7वां, यानी कि शुक्र देवता जुपिटर के नक्षत्र में और जुपिटर के ही उपनक्षत्र में, तो शुक्र देवता यहाँ पे शादी के और अच्छे रिजल्ट दे रहा है। तो यानी कि जुपिटर शुक्र देवता जो है वो शादी के मेरिट के रिजल्ट दे रहा है, एजुकेशन के रिजल्ट दे रहा है अच्छे एक ग्रेड के, तो इसमें फिर राहु के जो नेगेटिव पॉइंट है वो कम हो जाएंगे और राहु देवता अच्छे रिजल्ट देंगे। ये है गोचर में शुक्र की दृष्टि पड़ने से राहु के रिजल्टों पे। तो गोचर में भी आप राहु के रिजल्ट को देख सकते हो और आप इनको रिजल्ट जो है वो आपके मतलब दशा महादशा में देख सकते हो, यानी कि मान लीजिए शुक्र अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं और इनकी जो महादशा है यानी कि अभी देखिए विंशोत्तरी दशा, यानी कि विंशोत्तरी दशा में राहु की महादशा में राहु का अंतरा थोड़ा सा खराब जाएगा, उसके बाद जैसे ही वीनस का अंतरा आएगा, यहाँ पे वीनस लिखा हुआ है, तो वीनस के अंतरे में इनको बहुत अच्छा फायदा होगा। और जैसे मार्केस मंगल है तो मार्स का जो अंतरा आएगा यानी लास्ट का जो अंतरा है तो उसमें इनको परेशानी आएगी। तो राहु ने हर समय अलग अलग रिजल्ट दिए, कभी अच्छे कभी बुरे, कभी अच्छे कभी बुरे, तो ये रिजल्ट जो निकलते हैं वो राहु के ऊपर अंतरों का जो इफेक्ट होता है उसका, फिर गोचर में राहु पे दृष्टि है उसकी, और राहु के साथ कोई अगर अच्छा ग्रह युति बना लेता है तो उसकी भी हमें रिजल्ट मिलता है। तो ये सब चीजें काउंट करनी चाहिए हमें राहु के रिजल्ट निकालने के लिए। तो राहु और केतु का रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, ये जो चीजें हैं वो एडवांस लेवल की है। अगर आप ट्रांजिट का यूज करते हैं तो ऐसे आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ये जो वीडियो था वो राहु के जो कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट के लिए था, तो अब मैं एक राहु का एक अच्छा रिजल्ट देखूंगा, कोई किसी कुंडली में होगा तो मैं एक राहु का जो है वो एक जो मतलब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु का कोई अच्छा रिजल्ट आया हुआ उसके फायदा हुआ है वो ऐसा रिजल्ट निकाल के मैं अपने डाटाबेस से आपको दिखाऊंगा और उसमें उसकी जो फायदा हुआ है वो भी चीजें मैं दिखाऊंगा। तो आज का ये जो वीडियो था वो राहु की जो रिजल्ट आता है वो काफी लंबा चौड़ा आता है, तो उसको मैंने निकाल के बताया है कि कैसा रिजल्ट निकलता है। ये जो रिजल्ट था वो मैंने आसानी से निकाल दिया, ये ऐसे नहीं होता है, थोड़ा सा इसको और ज्यादा मतलब टाइम लेना पड़ता है। आपका अगर थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, आपको थोड़ा सा इस कार्य करने में मतलब काफी समय हो जाएगा, तो आपके लिए ये चीजें आसान हो जाएगी। और मैं हमेशा कहता हूँ मेरे वीडियोस में कुछ चीजें हैं जो मैं टेक्निकल जो बातें हैं वो नहीं बोलता हूँ, यानी कि कुछ चीजें मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि फिर वो जो वीडियो है वो नॉर्मल नहीं रह पाता। जो नॉर्मल व्यक्ति देखता है यानी ज्योतिष से रिलेटेड कोई व्यक्ति देखता हो उसके समझ में आ जाएगा, उसको थोड़ी सी इसमें गलती लगेगी, लेकिन नॉर्मल जो व्यक्ति होगा उसको आसानी से समझ में आए, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। तो इसीलिए ये वीडियो थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये जो है ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो
ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं, कुछ कमेंट डालिए और अपनी जो कोई भी प्रॉब्लम हो वो हमसे शेयर कर सकते हैं। और आप अगर ज्योतिष सीखना भी चाहते हैं तो हमारे जो मतलब मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको इस टाइप की प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी भी सिखा देंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।